इस बॉलीवुड में इतने डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे इंसान हैं कि हर फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी की हेल्प करते हैं। हर इंसान, चाहे न्यू कमर हो या बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है या ऐसा कोई भी नहीं जो योगेश जी को नहीं जानते हैं। पूरे मुंबई से हिंदुस्तान में हर जगह ब्राइट प्रायोरिटीज लगते हैं। एंड मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी योगेश जी को कि ब्राइट परफेक्ट मिस मिस मिसेस मिसेस इंडिया। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, वरना मैं जरूर आ जाती, बट मैं आ ही सकती हूँ जज करने के लिए डेफिनेटली। और बहुत सारे अवार्ड भी आपने लॉन्च किए हैं। और हाँ, सनी लियोनी जी भी आई थी एंड शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ी सी मैं लेट हो गई, वरना तो डेफिनेटली। और ब्राइट ऑर्केस्ट्रा भी स्टार्ट हो रही है और बहुत ही अच्छा नेक काम करने जा रहे हैं। और महापुरुष जयपुर ट्रस्ट में जो है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, मैं तो हर साल आती हूँ आपके योगेश जी आपके बर्थडे पर। और बाकी तो अभी क्या बोलूँ, मैं तो ताज का वेट कर रही हूँ। मेरी ताज, हाँ मैं तो खुद ही ताज हूँ, जीता जाता ताज हूँ मैं खुद ही। मैं डेफिनेटली बिग बॉस 12 में जाना चाहूँगी, और स्पेशली अनुज जलोटा जी की जो गर्लफ्रेंड आई है, ओ माय गॉड, वो मेरे बचपन की दोस्त है, केसर मथारू की बेटी है। और जब मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल टाइम पे आई थी, तो उनके डैडी ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, उसमें मैं लीड थी लफड़ा करके। तो केसर मथारू जी और जसलीन का मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। और मुझे लगता है कि अनु जलोटा जी का जलोटा निकल जाएगा, सिर्फ लोटा ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ठीक तरह चल भी नहीं सकते तो कांड क्या करेंगे। मैंने कांड ही नहीं कर पाएगा इंसान, तो लड़की कैसे रहेगी उनके पास। तो अरे थोड़ा नीचे तो रखो, तुम इधर मुंह बंद करो, तुम मेरा कांड ना कर दो यार। मुझे लगता है कि अनुप जलोटा जी कांड नहीं कर सकते, तो गर्लफ्रेंड टिकेगी नहीं जसलीन। और जो बिग बॉस में दूसरे जो हैंडसम ड्यूड लड़के हैं, वो जसलीन को उड़ा ले जाएंगे। मुझे तो तीन चार पुलिस वाले पे बहुत निगाह है मेरी। और जो बॉडी जय जय शिव समथिंग शिव शंकर, और दूसरे तो दो शांत, और दूसरे तो दो मैरिड है। पर क्या आजकल दुनिया में क्या फर्क पड़ता है, एक घर में बीवी एक बार वाली। लेकिन तो जसलीन को तो सब उड़ा के लेके जाने वाले हैं। और ऐसे भी मैं अपने इंस्टाग्राम जो राखी सावंत 2511 जो इंस्टाग्राम पे मैं रोज बिग बॉस के बारे में बोलती रहती हूँ। और अनुप जलोटा जी बहुत जल्दी विधवा हो जाएंगे। नहीं, केसर मथारू जी से मेरी बात हुई है। और सर कल हम राज ठाकरे जी के प्रोग्राम में जा रहे हैं बैंड्रा, और गणपति विसर्जन के लिए। और मैंने कहा है कि ऐसा नकारा नहीं है, हाँ जसलीन और अनूप जी का बहुत अच्छा टाका भिड़ा हुआ है। और एक्चुअली क्या ना, एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि अनूप जलोटा जी जो है, उनको पहले से 3 बीवियाँ भाग गई। ऐसा कौन सा कांड करते, 3 बीवियाँ भाग गई, शायद कांड नहीं करते होंगे इसलिए भाग गई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हर यंग लड़की को चाहते ही है, और हर लड़की से वो अफेयर करते हैं। और मैं सच कहती हूँ कि अनुप जलोटा जी, अगर जसलीन चली जाए तो चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ कांड करूँगी, चिंता ना करना।